नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज का महामंत्र क्या है और इस महामंत्र का जप कैसे करेंगे, कैसे इनकी पूजा करेंगे, जिससे आपका जीवन अच्छा हो, आप प्रगति करें और आपका प्रतिकूल समय अनुकूल हो जाए और आपके अंदर काफी इफिशियंसी बढ़े और आप आगे बढ़े। इसके बाद हम बात करेंगे आज के पंचांग की कि आज सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, कौन सा योग है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, ये बात आपको बताऊंगा। शुभ तिथि कब है, राहु काल कब है और शुभ मुहूर्त कब है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आप कब अपना कोई सी भी नए कार्य की शुरुआत करें उसके लिए शुभ समय कब है। इसके बाद बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की राशियां आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, आप कब यात्रा करें, कौन सा काम कब शुरू करें, किस क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा या हानि होगा, नौकरी प्राप्त करने का कैसा समय चल रहा है, यदि आप सोने चांदी के क्षेत्र में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा, शेयर और ट्रेडिंग से लाभ होगा या हानि होगा, आपके संबंधों में कैसे सुधार होगा, आपके दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपकी संततियों से रिलेशंस कैसे रहेंगे और किस अंक का प्रयोग करने से आपका अपार भाग्योदय होगा और किस रंग के प्रयोग करने से आपको नौकरी मिल सकती है, आपका भाग्योदय हो सकता है, कौन सा मंत्र पढ़ें, कौन सा उपाय करें, कौन सी सावधानी बरतें और किस क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आप पुलिस सेवा में जाएंगे या भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएंगे या सेना के क्षेत्र में सर्वोच्च पद पर जाएंगे या राजनीति में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये आपको बात आज हम बताएंगे। बात करते हैं आज के महामंत्र की, क्या आज का महामंत्र क्या है। आज का महामंत्र है ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः। यह महामंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसका प्रयोग करने से आपका सूर्य मजबूत होगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की वजह से आपको परेशानी हो रही है, यश नहीं मिल रहा है, वैभव नहीं मिल रहा है, आपको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है और पढ़ाई लिखाई शिक्षा एकेडमिक आप परेशान भी हैं, इसमें इस क्षेत्र में परेशान है, तो आप चिंतित न हो, इस मंत्र का लाल चंदन के माले से आप जप करें। और जब जप करते हैं तो ध्यान रखें कि आप लाल रंग का वस्त्र पहने और प्रातः काल उठ करके आप दैनिक क्रिया कर्म करने के बाद आप इस मंत्र का जप करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उत्तरोत्तर प्रगति होगा और आपकी जो भी योजनाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, सूर्य देव की कृपा से पूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 13 नवम्बर 2022, दिन है रविवार, तिथि है पंचमी जो अगले दिन 12:54 तक रहेगा, आदरा नक्षत्र है जो 10:18 तक रहेगा, कृष्ण पक्ष है और साध्य योग है। सूर्योदय हो चुका है सुबह 6:41 पर, सूर्यास्त होगा 5:28 सायंकाल पर, चंद्रमा जो रहेगा मिथुन राशि में, शुभ समय है 11:43 से लेकर के अपराह्न काल 12:26 तक रहेगा, राहु काल है सायंकाल 4:07 से लेकर के 5:28 तक रहेगा, पश्चिम दिशा का दिशा शूल है। आज आपको ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा मिथुन राशि में, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, जो बुध से जिन ग्रह का नेतृत्व करता है जिन राशि का, ऐसे लोग बड़े एनालिटिकल ब्रेन के होते हैं, उनके अंदर आत्म विश्लेषण करने की बहुत क्षमता होती है और किसी भी बिंदु पर बहुत माइक्रो लेवल पर सोचते हैं, तो सारा मामला सोच का होता है। तो जिनकी मिथुन राशि वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि आप माइक्रो लेवल पर नेगेटिव चैनलाइज ना हो, अगर आप नेगेटिव चैनलाइज हो गए तो आपका दिशा नेगेटिव हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, पॉजिटिव सोचें। वहीं अगर आप पॉजिटिव चैनलाइज होते हैं, अगर आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आपकी प्रगति का रफ्तार बढ़ जाता है और आपकी इंटेंसिटी अच्छी होती है और आप अति उत्साहित होकर अच्छा कार्य करते हैं, तो अपने समय का सदुपयोग करें। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं और आज किस राशि का भाग्योदय होगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसकी पदोन्नत होगी, किसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, किसको संततियों का लाभ मिलेगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। कौन सा अंक का प्रयोग करें, कौन सा रंग का प्रयोग करें और सावधानियां क्या बरतें, उपाय क्या करें, ये सारी बातें बताएंगे। आइए
शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपको नए प्रकार का कार्य करने का अवसर मिलेगा, पदोन्नत होगी, प्रगति होगी, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, समय आपका अनुकूल है, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, संततियां बहुत अच्छा करेगी, उनकी टेरिटरी में दखलंदाजी न करें, संतान को उत्साहित करें, उसको इनकरेज करें और जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसकी काउंसलिंग करें, किसी दूसरे का विरोध न करें नहीं तो आपका भी विरोध हो सकता है, परिश्रम से बड़ा लाभ होने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है भगवा कलर, लक मीटर है 9 हरे। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक है, आज आपके व्यापार में चतुर्थिक प्रगति होगा, व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है, नए प्रकार का इंडस्ट्री लगा सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य पर सावधान बरतें, रोग और शत्रु को हल्के में न लें, विदेश से व्यापार न करें, आयात निर्यात का अगर किसी प्रकार का सुंदर अवसर मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे बचें, संतान अच्छा करेंगे, संतंतियों के प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, आय का जरिया बढ़ेगा और शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलते हुए दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, यदि आप इस रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, शेयर से, फाइनेंस में, मैनेजमेंट के फील्ड से, कीमती सलाह से, वकालत से आज आपको धन मिलेगा, कुछ नए तरह के कार्य करेंगे जिससे प्रचुर मात्रा में धन लाभ होते हुए दिख रहा है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता समाप्त होगी उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, सावधानी क्या बरतनी है, शत्रु से सावधान रहे। उपाय क्या करना है, चिड़ियों को बाजरा खिलावे और गाय को हरा चारा खिलाना न भूले। शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी, लक मीटर 7 हरे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको न्यायालय से लाभ मिलेगा, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दूर होगी, शासन सत्ता सरकार से लाभ मिलेगा, उतावलेपन में कोई कार्य न करें, अपने मन को शांत रखें, एकाग्र होकर के चिंतन मंथन करें तब नए कार्य की शुरुआत करें, अपनों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें, खर्च पर कंट्रोल करें, आय से अधिक व्यय हो सकता है तो आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, तो ध्यान रखना है कि अत्यधिक खर्च करने से बचना। आज आपको सावधानी में क्या बरतना है कि आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो दूसरों की बातों में ना आवें, उतावलेपन में कोई कार्य न करें और जो आपका इनर सेंस कहता है, सिक्स सेंस कहता है, उसकी बात सुने आपके लिए अच्छा रहेगा, और पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 9 हरे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपका मन तनाव में हो सकता है और आप टेंशन में आ सकते हैं, तो पॉजिटिव सोचें, निगेटिव ना सोचें, लेखन कार्य से धन मिलेगा, मन में किसी प्रकार का तनाव न पालें, रोग और शत्रु परास्त होंगे, आत्मबल बढ़ेगा और आत्मबल से अच्छा कार्य करेंगे, विवादों से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में न पड़े, प्रॉपर्टी रियल इस्टेट साझेदारी में कोई भी कार्य न करें और आज आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, आपका मन अकारण अज्ञात भय से भयभीत हो सकता है, तो आप भयभीत न हो, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें और आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, असहाय को वस्त्र दान करें और सफेद वस्तु का दान करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग पिंक, लक मीटर 9 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको मान सम्मान मिलेगा, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, परिवार में समय दें, आलस्य का परित्याग करें, भाग्य आपके अनुकूल है, आज आपके भाग्य बुलंद है, जो भी करेंगे बड़ी सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, धन लाभ का योग बन रहा है, कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा और नया व्यापार कर सकते हैं, जैसे स्टार्टअप है, कोई नए प्रकार की इंडस्ट्री है, ये करने से आपको लाभ मिलेगा और पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने में सफल रहेंगे, भाइयों का सुख मिलेगा, यदि आप किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी में मुकदमा चाहे उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से बचें। उपाय क्या करना, आज क्या करें कि सूर्य देव को जल अर्पित करें और जल कैसे चढ़ाएंगे, जल आपको क्या करना है कि लोटा ले लीजिए, उसमें चावल को लाल रंग से रंग लीजिए, लाल पुष्प ले लीजिए, केसर लेकर के तांबे के पात्र से जलाभिषेक करें सूर्य देव को और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, इसके बाद आप क्या करें कि काला चना मंदिर में दान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर 9 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि की जातक हैं, आज आपको अचानक यात्रा हो सकता है जिससे मन उद्विग्न हो सकता है, अज्ञात भय हो सकता है, यात्रा से लाभ होगा, आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी,
मान सम्मान मिलते हुए दिख रहा, आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, चारों तरफ से लाभ का योग बन रहा है, नया वाहन खरीद सकते हैं, प्रतिकूलता लिए हुए होगा लेकिन जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें बड़ी सफलता मिलेगी, पदोन्नति का योग बन रहा है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधानी क्या बरतनी, भावुकता में कोई निर्णय न ले। उपाय क्या करना है, आज आपको चंद्रमा को अर्घ देना और गाय को रोटी गुड़ खिलाना है, शुभ अंक है 8, शुभ रंग है नीला, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की, तो जो तुला राशि के जातक हैं आज आपको पिता से धन लाभ होगा, संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, नए प्रकार का वाहन खरीद सकते हैं, नया कार्य करने से मन प्रसन्न रहेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति सशक्त होते हुए नजर आ रही है, पिता के सहयोग से बड़े बड़े कार्य करेंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माली हालत सशक्त होगी, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, आयात निर्यात कर सकते हैं, यदि आप प्रॉपर्टी रियल इस्टेट माइंस में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो न करें, नहीं तो उसमें आपका पैसा डूब सकता है, सावधानी क्या बरतनी, कर्ज लेने से बचना। उपाय क्या करना है, किसी महिला को या अपनी बहन को या किसी को बड़े लेवल पर उपहार दे दे, सफेद वस्त्र दे, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ अंक 8, शुभ रंग है पीच कलर, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज आपकी योजनाएं सफल होते हुए दिख रही हैं, नए व्यापार कर सकते हैं, नए मेहमान के आने की संभावना बढ़ रही है, परिवार में कोई नया कार्य शुभ कार्य हो सकता है, प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, यदि नौकरी के लिए आपने एफर्ट किया है कोई रिजल्ट आ रहा है तो आपके पक्ष में होगा तो आज नौकरी मिल सकती है, आज आपके नौकरी में परिवर्तन का भी योग बना है, नया कार्य कर सकते हैं, आपका मनोबल काफी अच्छा रहेगा, हेल्थ और वेल्थ को लेकर के सचेत रहें, जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना बढ़िया रहेगा, सावधानी क्या बरतनी है, अपनी सोच सकारात्मक रखना है। उपाय क्या करना है, गरीबों को भोजन कराने, शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की, तो जो धनु राशि के जातक हैं आज आपको ध्यान रखने का बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात आपको बहुत खराब लगती है, तो ये सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठें और अपने स्वभाव को चेंज करने की जरूरत है, जितना अपेक्षा रखें उतना बढ़िया, विघ्न बाधा दूर होगी, बड़ी सफलता मिलेगी, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, नौकरी मिलने का योग बन रहा है, प्रगति होने का प्रबल योग बन रहा है, मन को नियंत्रण में रखना ही श्रेयस्कर होगा, एकाग्र होकर अपने कर्म क्षेत्र में लग जाइए, बड़ी सफलता मिलेगी और माता पिता का सुख मिलेगा और किसी नए गुरु के मिलने से या कोई आध्यात्मिक गुरु मिलेगा जिसके दिशा निर्देशन में बड़ा कार्य कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन मिलेगा जिससे माली हालत अच्छी होगी, सावधानी क्या बरतनी है, किसी तरह का तनाव न लें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और क्या पीला वस्त्र दान करें, शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की, तो जो मकर राशि के जातक है आपको ध्यान रखना है कि अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने और जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, अपने मन को नियंत्रण में रखें, कई बार अपने आपका मन उद्विग्न होता हो जाता है जिसके नाते आपको दिक्कत होती है, लेखन कार्य से धन मिलेगा, साहित्य का अभिरुचि बढ़ेगी, अपनों से थोड़ा सा किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, अत्यधिक खर्च होने से मन उद्विग्न हो सकता है, आज आपका मनोबल काफी हाई रहेगा, माली हालत बढ़ते हुए दिख रही है, माता पिता का सहयोग मिलेगा, तो सावधानी क्या बरतनी है, दूसरों की सलाह से कोई कार्य न करें, कई बार क्या होता है कि आप सेकंड थर्ड एडवाइस लेके तब करें आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें, शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 9, हरे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, तो जो कुंभ राशि के जातक हैं आज आपको चारों तरफ से धन लाभ का योग बन रहा है, साझेदारी में व्यापार से लाभ होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा और माली हालत अच्छी होगी, आर्थिक इच्छाएं जो भी आपने बना रखा पूर्ण होगी, आप पर खुशियों की बारिश होगी, सोच समझ करके खर्चा करने की जरूरत है और आपको हर तरीके से चारों तरफ से लाभ होते हुए नजर आ रहा है, सावधानी क्या बरतनी है, अपने मन को नियंत्रण में रखें। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी गुड़ खिलाना ना भूलें और सरसों का तेल जरूर दान करें, काला तिल दान करें, अच्छा रहेगा, शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 8, हरे। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की, तो जो मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है, तो आज आपके लिए समय बहुत अच्छा है, नई योजनाएं आपको सफलता देगी, भाग्य आपके अनुकूल है, भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखें, बच्चों को लेकर के आपके मन में परेशानियां आ सकती हैं, तो बच्चों को प्यार से पेश आएं, गुस्सा करने से बचें, बच्चों को इनकरेज करें, उनकी टेरिटरी में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें, यदि आप स्कूल कॉलेज
या नए तरह का टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और इनकम का जरिया बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नया व्यापार करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, संतुलित व्यवहार करें। उपाय क्या करना, जरूरतमंदों की मदद करें। बंदरों को चना गुड़ खिलावें, शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, लक्ष्मी करे 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रविवार के दिन क्या उपाय करें जिससे आपकी सभी समस्याएं हो दूर। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो तो आपको किसी के साथ समझौता करना हो या आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। उसके लिए छोटे छोटे उपाय करिए, आपको बताता हूँ। अगर आप अपने धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन क्या करें कि एक खड़ा सबूत हल्दी गाय के माथे से स्पर्श कर अपने घर में रख लें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपकी तरक्की भी होगी। अगर आप अपने परिवार से जुड़ी किसी समस्या का हल जल्द निकालना चाहते हैं, जल्द से जल्द चाहते हैं कि आपकी समस्याएं दूर हो, तो आज के दिन क्या करना है कि गाय माता को रोली का तिलक लगावें और रोटी पर थोड़ी सी खीर रख कर उनको खिलावें। फिर घर आकर दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जप करें। ये उपाय करने से आपकी पारिवारिक समस्या का जल्द हल होगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपके परिवार में खुशहाली आएगी। अगर आप अपने जीवन स्तर को लेकर के चाहते हैं कि हमारा जीवन स्तर बेहतर हो, उत्तरोत्तर प्रगति हो, तो इस दिन आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहने, गाय माता की पूजा करें, सबसे पहले उन्हें हल्दी का तिलक लगावें और धूप दीप से गौ माँ को आप आरती करें। इसके बाद हाथ जोड़कर गौ माता को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपका जीवन स्तर बेहतर होगा। अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप क्या करें कि आज के दिन प्रातः काल दैनिक क्रिया करने के बाद, स्नान इत्यादि के बाद गौ माता को पुष्पों की माला अर्पित करना चाहिए। उनको पुष्प का माला धारण करावें और उन्हें उबले हुए चावल में थोड़ा सा मीठा मिलाकर खिलाना चाहिए। साथ ही साथ गौ माता के सिंह को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य बेहतर होगा। आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आज करना है कि आज के दिन सुबह दैनिक क्रिया करने के बाद गाय माता को क्या करें कि आप श्रृंगार करें, उन्हें रोली का तिलक लगावें, चुंदरी चढ़ाएं और उनके चरणों में फूल अर्पित करें और क्या करें कि उबले हुए चने का प्रसाद खिलावें, साथ ही साथ कपूर से गौ माता की आरती करें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि को उत्तरोत्तर प्रगति होगी। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बच्चे हमारे खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, तो आज के दिन आपको क्या करना है कि गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और साथ ही साथ गाय के पैरों के नीचे मिट्टी को अपने बच्चों के माथे पर, उनके सिर पर तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली आती है। आप अपने व्यापार में खूब तरक्की के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी पाना चाहते हैं तो इस दिन आप क्या करें, आज के दिन गौ माता को विधिवत पूजन करें, साथ ही गौशाला में गायों के निमित्त कुछ दान पुण्य करें। ऐसा करने से आपके व्यापार में खूब तरक्की होगी और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। तो हमारे साथ राहुल है कानपुर से। राहुल की जन्म तिथि है 20 जुलाई 1993 और कानपुर में इनका जन्म हुआ है 10:10 प्रातः काल पर। राहुल का प्रश्न है कि ये बहुत परेशान है, इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है, कैसे करें ताकि इनका भविष्य अच्छा हो और मेरा कुंडली कैसा है ये जानना चाहते हैं। राहुल जी, आपका जन्म कन्या लग्न का है। लग्न में आपका देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है और तीसरे भाव में वृश्चिक राहु है और आपका कुंभ का शनि है छठे भाव में। वृष राशि का केतु और शुक्र नवम स्थान में है, मिथुन राशि का बुध दशम में और कर्क राशि का सूर्य और चंद्रमा आपका बैठा हुआ एकादश भाव में, 12वें मंगल है। अभी जो वर्तमान में जो गुरु आपका बैठा हुआ है बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोग काफी सुलझे हुए होते हैं, समझदार होते हैं, विजनरी होते हैं और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। वृश्चिक का राहु आपको कार्य नहीं करने देता तो अपने आलस्य को छोड़ करके टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करें और लक्ष्य बना के कार्य करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपका शनि बैठा हुआ छठे तो आप अपना खुद में शत्रु हैं, रोज आज नहीं कल, कल नहीं कल पर कार्य टालते हैं तो ये अपने दिमाग मन से निकाल दीजिए।
शुक्र केतु आपका भाग्य स्थान में बैठा है, तो आप भाग्यशाली हैं, जो भी प्रयास करेंगे उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। बुध दशम भाव में व्यक्ति को फाइनेंस से, इससे तमाम तरीके के क्षेत्र से काफी धन मिलता है। आय भाव में सूर्य और चंद्रमा होने से व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती है, काफी अच्छा रहता है। बारहवें मंगल होने के नाते आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, आय से ज्यादा व्यय करते हैं, तो अपने खर्च पर कंट्रोल करें। वर्तमान में अभी जो आपका समय चल रहा है वह केतु की दशा 18 अप्रैल 22 को खत्म हो गया, शुक्र में शुक्र की दशा शुरू हो गया जो 22-20-2042 तक रहेगा। 20 साल चलता है तो 22 लेकर के मतलब आप समझिए कि 18 अप्रैल 2042 तक रहेगा, तो बहुत अच्छी चीज है ये। 18-8-2025 शुक्र में शुक्र की दशा है, तभी शुक्र में शुक्र चल रहा है, थोड़ी सी परेशानियां देता है, स्ट्रगल कराता है, तो आप चिंतित ना हो, पेशेंस रखें, अपने कार्यों की शुरुआत करें, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको नौकरी मिलेगी, जो भी एफर्ट करेंगे उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा है, शुक्र आपका भाग्य स्थान में अपने घर का बैठा हुआ है, तो आप एकदम परेशान ना हो, अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और आपको लाभ हो इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, हो सके तो मोती पहन लीजिए, आपका समय अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं आज के जन्मदिन की, तो आज है 13 नवंबर। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा मिले, आपके मनोरथ पूर्ण हो, आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे, हैप्पी बर्थडे। आज है 13 तारीख, 13 तारीख का जो मूलांक होता है वो होता है 4, तो खास तौर से 4 तारीख 13, 22 और 31, 4, 13, 22, 31 तारीख के जो जन्म जातक होते हैं उनका मूलांक होता है 4। इस तरह के लोग काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं, या तो टॉप पर होते हैं या बॉटम में होते हैं, बीच बीच की इनकी स्थिति नहीं होती, ये अपने समस्त प्रकार के महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, जुझारू होते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी इनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। एकेडमिक करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे आप टेक्निकल फील्ड में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो। आज आपका चतुर्दिक विकास होगा इस वर्ष, और आपकी चतुर्दिक प्रगति होगी, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यह पूरा कालखंड आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, भूमि भवन के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, घर में नए तरह के मेहमान के आने के लिए बढ़िया, आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगस्त सितंबर अक्टूबर थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव का हो सकता है, आपको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नवंबर दिसंबर आपके लिए अति शुभ है, गोल्डन रहेगा, इसमें आपको उत्तरोत्तर प्रगति होगी, माली हालत अच्छी होगी, जो एफर्ट करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सावधानियां क्या बरतनी है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम जो भी शुरुआत करते हैं तो अपनी गोपनीयता रखें, नहीं तो कार्य होते होते रह जाएगा। अपने महिला मित्र से सावधानी बरतें, और खास तौर से जो आपके अपने लोग हैं उनसे जब तक कार्य न हो जाए तब तक कार्य को शेयर न करें। उपाय क्या करना है, उपाय आपको क्या करना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है पूरे वर्ष पर्यंत, आपके लिए अच्छा रहेगा, और गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा करने से पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा। भाग्य गुरु बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।